मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे तंजौर रियासत की। तंजौर तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक और समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर 1670 से लेकर 1850 तक मराठा राजाओं का शासन था, जिसे आगे चल के अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। पर इवन दो तंजौर रियासत 1850s में ही ख़त्म हो गई थी, यहाँ के मराठा राजाओं का इतना स्ट्रॉन्ग कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है, न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि भारत के इतिहास में, कि हम तंजौर रियासत का इतिहास अनदेखा नहीं कर सकते। तंजौर का महत्व का कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है वो कावेरी नदी का डेल्टा है, जहाँ पर कावेरी नदी और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो बे ऑफ बंगाल को मिलते हैं। और जैसे आप देखें तो एक कावेरी नदी और बाकी नदियों से एक ट्रायंगल, काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होता है, और उसके बीच में बहुत ही फर्टाइल इलाका है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल है और एक समृद्धि है। और जैसे हम जानते हैं कि इवन प्राचीन भारत के समय से कि ये जो समृद्धि होती थी वो नदियों के फर्टाइल डेल्टास में ही होती थी, और इसी डेल्टा से निकले थे जो बहुत फेमस चोला राजवंश है। वो तंजौर चोला राजाओं की राजधानी थी और यहाँ पर उनका परहैप्स द ग्रेटेस्ट, उनकी जो लेगेसी है, जो राजराजेश्वर का मंदिर है यहाँ पर, या जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे राजा चोला ने बनवाया था, तो जो और ये मंदिर इनफैक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है और भारत के सबसे स्पेक्टैक्युलर मंदिरों में से एक है। तो ये इसी जो क्षेत्र की समृद्धि और इतिहास का वो प्रतीक है। जो चोला राजवंश है उसके बाद यहाँ पर पंड्या राजाओं का राज आया, उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे मलिक कफूर हज़ार दिनारी, उनका इन्वेजन हुआ और यहाँ पर उथल पुथल हुआ। बाद में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का राज हुआ, उसके बाद जो नायक, सो विजयनगर साम्राज्य में कैसा होता था, वाइसरॉयज होते थे, जो सम्राट है जो विजयनगर में बैठते थे और उनके जो वाइसरॉयज है जो जिन्हें नायक कहा जाता था, तो वो मदुरई और तंजौर में बैठते थे। तो ये नायकों का की राजधानी थी तंजौर के। और फिर उसके बाद 1670s में यहाँ पे मराठे आए। यहाँ पर जो मराठा वॉरियर आए और जिन्होंने तंजौर का राज्य स्थापन किया वो थे एकोजी। तो एकोजी महाराज, जिसे व्यंकोजी भी कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो जिन्होंने मराठा स्वराज्य स्थापन किया महाराष्ट्र में, उनके सौतेले भाई थे, छोटे भाई थे। और क्या हो गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता जो शाहजी राजे भोसले हैं, वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बंगलौर में रहते थे। लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जो बेंगलोर सिटी है, जो बंगलुरु शहर है आज का, वो भोसले परिवार का प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह ने उन्हें दी थी और वो उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरा हुआ करता था। उस समय 1670s में यहाँ पर जो नायकों के कोर्ट में एक इंटरनल काफ़ी पॉलिटिक्स चल रहा था, उसका एडवांटेज लेकर सरफोजी जो थे एकोजी महाराज, उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापन किया और तभी से शुरुआत हुई मराठा किंगडम ऑफ तंजौर की। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बहुत फर्टाइल था, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल थी, चावल की फसल और बाकी एक और प्लस जो बंदरगाह थे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पे था, तो जो वहाँ यहाँ का जो टेक्सटाइल है और जो फैब्रिक है तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो उसका रेवेन्यू काफ़ी आता था, तो काफ़ी एक अमीर और समृद्ध राज बना। और प्लस उनका कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, रामनाड की जो ज़मींदारी है, ट्रिची का जो राज्य है, मदुराई का जो राज्य है, और जो एकोजी है उन्होंने यहाँ पर अच्छा राज किया। यहाँ पे एक बात कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एकोजी हैं, उनका और उनके जो सौतेले बड़े भाई है शिवाजी महाराज का, उनका काफ़ी एक अनबन होती थी बिकॉज उनके पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे भारतीय परिवार में होता है, और स्पेशली बैंगलोर का जो संपत्ति थी उसे लेकर दोनों भाइयों में काफ़ी विवाद हुआ। बट जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उन्होंने बहुत ही मैग्नानिमसली
एक बड़े भाई की तरह जो बैंगलोर और जो शाहजी राजे भोसले उनके पिताजी की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ थी वो जो साउथ इंडिया की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो जो एको जी है उन्हें दे दी और जिंजी का किला है जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण किला था वो अपने पास रखा। उन्होंने जिंजी और वेल्लोर ये किले अपने पास रखे एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आगे चल के यू नो 1690s में जो एको जी महाराज है उनका निधन हो गया और उनके बेटे शाहू जी द फर्स्ट तंजौर की गद्दी पर बैठे। अब ये समय है जब मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने बहुत ही क्रूर तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज का कत्ल कर दिया था और रायगढ़ पर फिर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और जो शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे हैं छत्रपति राजा राम और उनकी पत्नी ताराबाई वो जिंजी के किले में शरण उन्होंने ली थी। और ये जो तंजौर की जो छत्रपति है जो उनके कजिन्स जो उनके कज़िन जो थे तंजौर की गद्दी पर उन्होंने फिर उन्हें रसद पहुंचाई और उन्हें मदद की जिंजी के किले में। तब जुल्फिकर अली खान जो गवर्नर थे मुग़लों के और फिर कोटा की जो राजपूत फौजें थी वो भी तमिलनाडु में आई थी। जुल्फिकर अली खान ने आगे चल के तंजौर पर भी हमला किया एंड दे फोर्स देम टू बी मुग़ल ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो मुग़ल पेनेट्रेशन था साउथ इंडिया का इसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो आगे चल के तंजौर पर पड़े क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ ये जो सारी जो टेरिटरीज थी जो मुग़लों ने कैप्चर की थी वो सूबाए दक्कन में आती थी। जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सूबेदार दक्कन थे बट उनके अंडर में थे आर्कॉट के नवाब और ये जो पूरा जो कोस्टल तमिलनाडु का जो इलाका है वो पूरा आर्कॉट के नवाब के अधीन आता था और वह और ये जो सारी जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी जैसे कि तंजौर रामनाड उन सबको जो पुडुकोटई इन सबको पैसा देना पड़ता था आर्कॉट के नवाब को। तो आगे चल के ये जो शाहू जी के बाद जितने भी तंजौर के जो राजा हुए उन्हें काफ़ी इन्वेजन्स फेस करने पड़े आर्कॉट के आर्मीज़ के। अब दूसरी बात पैरेलली उस समय क्या हो रही थी कि ये जो कोरोमंडल का जो कोस्ट है चोलामंडलम वहाँ पर फ्रेंच डच और ब्रिटिश उनके सेटलमेंट्स थे मद्रास नागापट्टनम टैनक्वेबार पॉन्डिचेरी ये सारा इसी पर है और बिकॉज ये इतना ट्रेड और कॉमर्स में इतना अमीर इलाका था तो दिस वॉज द अर्ली डेज ऑफ कॉलोनियलिज्म भाई ये सारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबका एक झगड़ा चल रहा था उस टाइम। पोर्चुगीज तो इतने स्ट्रांग नहीं थे इस क्षेत्र में। तो इनफैक्ट जब जो आर्कॉट के नवाब है उनका निधन हो गया तो जो उनके जो सक्सेसर्स थे एक थे चंदा साहब जिन्हें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती थी और मोहम्मद अली खान जिसे ब्रिटिश सपोर्ट करते थे उनमें एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गई जिसे कर्नाटक वॉर्स कहा जाता है। और ये जो ब्रिटिश और जो फ्रेंच है उन्होंने ये इस कोशिश की कि वो किसी तरह से अपना पलड़ा भारी कर सके। और फिर जो तंजौर है तंजौर के जो राजा है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसका फिर आगे जाके उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इनिशियली तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया तंजौर के साथ और जो तंजौर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्ते बहुत अच्छे थे पर ये जो आर्कॉट के जो नवाब थे वो हमेशा चाहते थे कि ये जो तंजौर का जो बहुत ही अमीर और समृद्ध राज है उसे हम किसी तरह हड़प कर ले। और कई कोशिशें हुई 1773 और 1776 के बीच में आर्कॉट के नवाबों ने पूरा तंजौर ही जब्त कर लिया था और फिर बाद में ब्रिटिश इंटरफियरेंस के साथ और फिर मराठा प्रेशर के साथ फिर वो तंजौर का राज्य बहाल किया गया। उसी समय अराउंड 1770s में ही तंजौर में एक बहुत बड़ा और भयानक इन्वेजन हुआ टीपू सुल्तान की फ़ौजों का और जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से मैंगलोर में टीपू सुल्तान की फ़ौजों ने कत्लेआम किया जिस तरह केरला में टीपू सुल्तान की फ़ौजों ने कत्लेआम किया तो उसी तरह यहाँ पर भी
तंजौर में भी जो मैसूर टीपू सुल्तान की जो मैसूरी फौज थी उसने बहुत उध्वंस और कत्लेआम किया। फाइनली 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तंजौर के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत तंजौर बिकेम अ वैसल स्टेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1776 में जब तंजौर के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी की थी तब के राजा थे तुलाजी। अब तुलाजी जो थे उन्होंने एक लड़का गोद लिया था जो सरफोजी द सेकेंड या सरबोजी द सेकेंड जिसे नाम से जाना जाता है। और जब 1787 में जब तुलाजी का निधन हुआ तब सरफोजी को गद्दी मिली, पर उनके एक सौतेले चाचा थे, मतलब जो तुलाजी के सौतेले भाई, उन्होंने क्या किया, इस लड़के को जेल में कैद करके अब खुद गद्दी संभाल ली। अब ये जो लड़का था जो जेल में बंद था, तो उस समय एक रेवरेंड श्वार्ट्स करके एक मिशनरी थे, डेनिश मिशनरी, बिकॉज टेनकोएबार या तरंगम बाड़ी जो है वो तंजौर के बहुत पास है, वहाँ की मिशनरी थी वो। उन्हें लगा कि यू नो ये एक बहुत अच्छा लड़का है और इसके चाचा इसे मार डालेंगे, तो फिर वो उस लड़के को जेल से निकाल कर वो मद्रास लेके गए। वहाँ पर इस लड़के को उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई। और सरफोजी जो थे वो इतने ब्रिलियंट थे इवन एज अ यंग मैन कि वो जो भी उन्हें जो पढ़ाया जा रहा था वो अब्जॉर्ब कर रहे थे। और फाइनली 1798 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो महाराजा सरफोजी है उन्हें गद्दी पर बिठा दिया उनके चाचा को हटाकर। उसके बाद देर वॉज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन तंजौर। हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं और अगर हम देखें तो प्री 1857 का इतिहास, तो भारत के लोग जो तंजौर के महाराजा सरफोजी है उनको इतना नहीं जानते हैं, यू नो उत्तर भारत में या जो वेस्ट भारत है वहाँ पर, बट आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन्स ऑफ हिज टाइम, मतलब 18वीं शताब्दी के सबसे महान व्यक्तियों में एक थे। वो इतने पढ़े लिखे थे, उनका हम उदाहरण देंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना की जो उस समय के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये कहा जाता था कि इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरीज इन एशिया। वो अंग्रेज़ी पढ़ सकते थे और वो ब्रिटेन के जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके एकमात्र भारतीय मेंबर थे, और ये हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उनके पास जो ग्लोब्स थे, बिकॉज वो जानते थे कि दुनिया कैसे हो, तो ग्लोब्स थे, दूरबीन थी तो ताकि वो तारे और स्पेस को देख सके। उन्होंने एक धन्वंतरी महल करके एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसे हम बोल सकते हैं मेगा हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली में एम्स है वैसे धन्वंतरी महल करके एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण किया। और कुछ साल पहले ही कुछ उनके पेपर्स मिले हैं विच सेंट एक्चुअली बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ कि उससे ये पता चलता है कि ये ऑप्थैल्मोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स थे। और ये पता चलता है कि जो सरफोजी है, महाराजा सरफोजी, वो मेडिकल साइंस पढ़े हुए थे और ही वॉज लिटरली एन आई डॉक्टर, वो ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट थे। और वो कैटरैक्ट के जो ऑपरेशंस है, कैटरैक्ट कैसे निकालना है, आई केयर कैसे करना है, उनको उसकी पूरी जानकारी थी। उन्होंने जो तंजौर है वहाँ पर एक जू बनवाया था। एक बहुत अमेजिंग बात ये है कि जो बाकी उस समय के जो राजास थे उनसे अलग वो जानते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि जैसे कि जो लेटेस्ट किताबें हैं, बिकॉज वो इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ सकते थे, तो जो इंग्लैंड और फ्रांस की लेटेस्ट किताबें उन्हें लंदन और पेरिस से भेजी जाती थी। फिर उन्होंने जो मनोरा करके कोस्ट में है तंजौर के, वहाँ पर शिपिंग डेवलप करने की कोशिश की, बहुत सारे छत्रम जो जिसे हम उत्तर भारत में कैरवन सराइज कहते हैं जो ट्रैवलर्स के लिए, तो वैसे छत्रम बनाए, मंदिरों को रिपेयर किया, जो टैंक्स वहाँ पर बनवाए ताकि एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिल सके।
म्यूजिक में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि अगर आप देखें तो जो कर्नाटक म्यूजिक और साउथ इंडियन म्यूजिक है उसमें वायलिन का जो प्रयोग होता है वो उन्होंने ही शुरुआत की। जो दक्षिण भारत में जो पहला ब्रास बैंड था, अभी तो यू नो जो बैंड शादियों में बजता है और वो इतना ये है, पर उसकी शुरुआत दक्षिण भारत में उन्हीं ने की। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि दक्षिण भारत में, और इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि भारत में जो देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी भाषा, मराठी भाषा, और उसमें अगर उसे पॉपुलराइज करने में किसी का योगदान रहा है तो वो है महाराजा सरफोजी का। महाराजा सरफोजी को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्हें छाप खाना खोलना है, प्रिंटिंग प्रेस खोलनी है, तो जो देवनागरी है वो प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट है, बिकॉज उससे पहले जो मराठी थी वो मोड़ी लिपि में लिखी जाती थी और मोड़ी लिपि इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रिंटिंग। तो उन्होंने फिर जो देवनागरी है उस पर स्पेशल डाई बनवाए, और एक जो सरफोजीज प्रिंटिंग प्रेस करके बहुत ही फेमस है, तो उन्होंने ये छाप खाने शुरू किए। और जो हिंदू धर्म के जो क्लासिक्स है, जो भारतीय जो इंडियन लिटरेचर के जो क्लासिक्स है, उसे फिर देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करके उसका पब्लिकेशन किया। और उसके बाद ही इसी समय से हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जो देवनागरी लिपि है उसका प्रसार भारत भर में हुआ। आगे चल के उन्होंने इवन जो राजराजेश्वर मंदिर है, जो बृहदीश्वर मंदिर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मराठा राजाज ऑफ तंजौर के ऑनर में एक इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा, जैसे सरफोजीज इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। जब 1832 में महाराजा सरफोजी का निधन हुआ तो उसके बाद उनके बेटे छत्रपति शिवाजी ऑफ तंजौर के शिवाजी गद्दी पर बैठे, और पर वो अपने पिताजी की तरह वो जीनियस नहीं थे। 1855 में उनका निधन हो गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तंजौर रियासत को जब्त कर लिया। शिवाजी थे, उनकी दो बेटियां थी, एक तो बड़ी थी प्रिंसेस मुक्तम्बा और जो एक छोटी थी, उन दोनों ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी लीगल फाइट की, काफ़ी मामला केस, दशकों तक वो मामला कोर्ट में चला। फिर बाद में जो निजी संपत्ति है तंजौर राज परिवार की वो उन्हें लौटाई गई। आज भी जो तंजौर के मराठा राजाओं के वंशज तंजौर में रहते हैं, यहाँ के काफ़ी मंदिर और इवन जो बृहदीश्वरा का मंदिर है उसके वो ट्रस्टी हैं। और सबसे फेमस लेगेसी अगर यहाँ पर है मराठा राजाओं की तो वो है सरस्वती महल लाइब्रेरी, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। और जो अभी थैंकफुली जो बृहदीश्वर मंदिर है और सरस्वती महल लाइब्रेरी और बाकी मॉन्यूमेंट्स को देखने अभी हज़ारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो आशा है कि और भी, और जो उत्तर भारत है वहाँ के लोग भी तंजौर रियासत के बारे में जानेंगे और भारत के इतिहास में इसका महत्व समझेंगे। तो ये थी कहानी तंजौर रियासत की।